कल्चर अपना जो अदारा बना हुआ है यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जो बच्चे, ये अपनी मतलब आइडिया क्रिएट करके और बहुत मुख्तर टाइम में जो हम अर्न कर सकते हैं इस जो हमारे हालात चल रहे हैं इस मुल्क में, ये बहुत अच्छा है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और ये जो आइडिया है जिस तरह आप इनको ले कर चल रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत आउटस्टैंडिंग है। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। जी आगे बढ़ते हैं, हमारे दरमियान हनान पीरज़ादा साहब हैं। सर आज आप क्या कहेंगे इवेंट के बारे में और यहाँ पे स्टार्टअप्स के बारे में, इदारा क्रिस्टल वी वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में? जी बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे एक एक स्टॉल पे जाके देख रहा हूँ तो बाकायदा पूरी टीम की मेहनत नज़र आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है बच्चों को अपने पाँव पर खड़ा होते हुए देख के, तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये। ज़बरदस्त, सो नाइस ऑफ यू। जी आगे बढ़ रहे हैं हम और कोशिश करते हैं। सर आप क्या फीडबैक देंगे आज के प्रोग्राम के लिए? माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने एडवाइस दिया। अभी तो अभी स्टार्ट ले रहे हैं, देख रहे हैं बच्चों का भी, देख रहे हैं माशाल्लाह उनका एक एनर्जी में। गुड गुड, सो नाइस ऑफ यू। जी आगे बढ़ रहे हैं हम और दिखाते हैं, इस हॉल के अंदर एयर कंडीशनड हॉल है और यहाँ पे स्टार्टअप्स की दुकानें सजी हुई हैं। जैसे आप ये देखें एनएम फ्रोजन फूड है और इन्होंने फ्रोजन फूड वालों ने कबाब और ये टक्कर देने जा रहे हैं के एन जो है फ्रोजन फूड्स को। उसके बाद यहाँ पे जब हम आगे आते हैं तो इवेंट बलोंग जो है ये इनका एक स्टार्टअप है जिसमें ये इवेंट्स को सजाने के लिए इवेंट प्लानर और इवेंट डेकोरेटर हैं। और इनका ये बहुत ही खूबसूरत सा स्टॉल इन्होंने सजाया हुआ है। और आज का ये इवेंट प्राइवेट इवेंट है जिसमें पब्लिक इनवाइटेड नहीं है और सिर्फ हमारे जो लीडर्स हैं, फीमेल लीडर्स हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। जजेस हमारे दरमियान मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जनाब अजहर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आज के दिन आपने वक्त दिया, टाइम दिया आज के प्रोग्राम के लिए। क्या आपका फीडबैक है? ये जो आप कौम का मुस्तकबिल बना रहे हो, ये इन हालात में ऐसे माहौल में ये सदका जारिया है। ये नेकियां समेटने का भी एक तरीका है, अल्लाह पाक की खुशनूदी हासिल करने का भी ज़रिया है। और ये जो ये तबका जो इनिशियल स्टेज पे जिस तरह आप इनको मोटिवेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हर तरह से, तो इंशाल्लाह ताला इनका जो फ्यूचर है मैं बच्चियों का बहुत ब्राइट देख रहा हूँ। तो इसका सेहरा जो है ना आपको और आपकी पूरी टीम के साथ जाता है। सो नाइस, आपने हमेशा ही जो अच्छे काम की दाग बेल डाली है, तो मैं आपको सल्यूट करता हूँ, आपकी टीम को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपकी मोहब्बत सर, आपका प्यार, सो नाइस ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। आगे बढ़ते हैं जी, यहाँ पे इतनी गर्मी में एयर कंडीशन तो है लेकिन क्योंकि यहाँ पे गैदरिंग है, स्टार्टअप्स की तादाद ज़्यादा है और जजेस की तादाद है, इसलिए कुछ यहाँ पे रश लगा हुआ है। हाकिम हमारे शाह साहब भी आज खास तौर पे तशरीफ लाए हैं। जी आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? आज का प्रोग्राम बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम मेरा, इसलिए कि यहाँ पर जो एग्जीबिशन की गई है वो बड़े ही अच्छे तरीके से की गई है और बच्चियों ने जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया उन्होंने बड़ा अच्छा तैयारी करके आई हैं और जो वो चीज़ें बना कर आई वो माशाल्लाह बड़ी लाजवाब हैं। और आई होप अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा, इसी ज़ौक व शख्स अगर वो काम करती रही तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में कामयाब रहेंगी और उनको ज़ाती तौर पर बहुत ही कारोबार के लिहाज से मुनाफा होगा और इंशाल्लाह वो ज़िंदगी में कामयाब होगा। खास और आपके हम मशहूर हैं कि आपने अपने हाई लेवल का यहाँ पर इंतजाम किया, मैनेजमेंट की यहाँ पर लोगों के बैठने के खाने पीने का इंतजाम किया है, ये आपकी अपनी ग्रेटनेस है कि आपने हम लोगों को बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया है। अल्लाह ताला खुदा के इस नेक काम में बरकत दे और अल्लाह ताला आप सब के इस काम में कामयाब दे। सो नाइस ऑफ यू, जज़ाकअल्लाह। जी आगे बढ़े हमारे और जजेस, नायला बच्ची साहिबा यहाँ पे हमारी एंकर पर्सन और बहुत बड़ा नाम है वॉइस आर्टिस्ट के लिए। जी क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के लिए? जी आज आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। किस इदारे ने ऑर्गेनाइज किया है? ये क्रिस्टल यू वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, और इसमें वुमेन्स डिफरेंट आइडियाज लेके आई हैं और हम देख रहे हैं इनकी डेकोरेशन बहुत अच्छे, मैनेजमेंट सिस्टम इनका बहुत अच्छा है और प्रोडक्ट जो है मिनी बजट से ये स्टार्ट कर सकता है हर कोई, डिफरेंट आइडियाज। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्रिस्टल वी वेलफेयर फाउंडेशन भी मौजूद है, साहिबाल से स्पेशली आज हमारे दरमियान है। जी
फर्स्ट ऑफ ऑल सो थैंक्स कि आप इतनी मसरूफियत में से आज उकाड़ा में हैं, हमारे दरमियान हैं, और उकाड़ा के उन नौजवानों के साथ हैं जो इंशाल्लाह पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ्यूचर है। उकाड़ा की फीमेल के साथ, गर्ल्स के साथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बहुत बहुत फैसिनेट कर रहा है मुझे, और इसीलिए मैं इतनी दूर से आई। कुड यू बिलीव दैट कि इनका कॉन्फिडेंस देख कर मैं हैरान हूँ, सब मतलब कहाँ से थे, दे गेट द आइडियाज और कैसे कर रहे हैं, इतनी कम उम्र में। हम लोगों को तो बड़ा टाइम लगा था ये चीज़ समझने में, बट दे आर वेरी स्मार्ट, और हो सकता है कि यही वो एक स्पार्क है जो चेंज लेकर आएगा। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस के फैमिली बैकग्राउंड भी बिजनेस नहीं है, लेकिन फिर भी दे हैव एनर्जी, दे हैव एनर्जेटिक वे टू अटेम्प्ट अ बिजनेस, बड़ी बात है। और यहाँ बैठना, यहाँ तक आना और एक अननोन पर्सन के सवालों का जवाब देना, दिस इज़ वेरी नाइस। अगर आप ये सब कर सकते हैं, समझ लीजिए कि आप बिजनेस भी कर सकते हैं, और जो यहाँ तक आ चुके हैं, इट्स मीन आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह। सो नाइस ऑफ यू, थैंक्स। आगे बढ़ रहे हैं और हम देखते हैं मजीद यहाँ पे हर एज उम्र के लोग जो हैं अपने अपने बिजनेस स्टार्टअप्स को लेके मौजूद हैं। और हमारे जजेस में से महान साहब हमीद खान फाउंडेशन की जानिब से, सर सो नाइस ऑफ यू आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, कैसा लग रहा है आपको और क्या कहेंगे प्रोग्राम के लिए और हमारे नौजवानों के लिए और ख़ासकर ख़वातीन फीमेल लीडर्स के लिए? जी इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का जो आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया ये बहुत ज़बरदस्त, इसमें मैं अपनी छोटी बहनों को और भाइयों को और हमारी जो घर में काम करने वाली बाकी ख़वातीन हैं सबको मैंने देखा है, सबको इंटरव्यू भी लिया। उसमें आपने जो बहुत अच्छा काम किया कि जो लोग घर में काम नहीं कर सकते, जो घरों से बाहर निकलना चाहते हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू करके अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो उसमें आपने माशाल्लाह जी कमाल कर दिया। वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ, मैंने देखा और इनको आप फंडिंग भी मुहैया कर रहे हैं, सब कुछ मुहैया कर रहे हैं, इनका आप काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक इसको जजाए, आपको जजाए खैर देगा इंशाल्लाह। और छोटे छोटे ऐसे काम मैंने देखे हैं जो भाई बहुत बड़े लेवल पे हैं, और ये इन लोगों ने बहुत छोटे छोटे लेवल से स्टार्ट करके और बहुत ही कम पैसों में, और मुझे लगता है कि ये जो है ना आपने बहुत अच्छा किया, अल्लाह पाक इन लोगों को कामयाब करे, मेरी हमारी तो यही ख्वाहिश है। और हम हमारी तरफ से जो हो सकेगा, हमारी फाउंडेशन की तरफ जाने से भी जो हो सकेगा, हम इन लोगों की मदद करेंगे इंशाल्लाह, इन बच्चियों की, इन भाइयों की, सबकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। तो बेस्ट ऑफ लक इन लोगों को और आप लोगों को और आपकी टीम को जो है वो हमारी तरफ से बहुत जो है वो बहुत सारी नेक दुआएं, सो नाइस ताकि आप लोग खुश रहें और मजीद इस तरह के काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। तो जी आज के इस प्राइवेट इवेंट में जस्ट जजेस और स्टार्टअप्स यहाँ पे मौजूद हैं, और पब्लिक इस इवेंट में इनवाइटेड नहीं है, क्योंकि हम चाहते थे कि ये जो एजुकेशन का मरहला है, ये जो सीखने सिखाने का मरहला है, इसमें कोई और जो है चीज़ मौजूद ना हो। और हमारे आज के स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर, प्लीज़ सर तशरीफ़ लाइए। शेख साहब जी वहाँ से दरवाजे खोलिएगा, ये काइंडली इसको पकड़िए, ये इसको पकड़िए, वेलकम के लिए हम आएंगे हमारे एक और गेस्ट ऑफ ऑनर। आपको गैदरिंग हो गई है, बिस्मिल्लाह। धन्यवाद,
नीचे नीचे इधर 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 से निकाल लो आयल और बालकन दे दो जी। हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर उखाड़ा पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी की जानेब से चौधरी अब्दुल गफूर साहब जो है वो हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। आज चौधरी साहब, आज का ये इवेंट स्पेशली प्राइवेट इवेंट है, इसमें जजेस हैं और सिर्फ स्टार्टअप्स हैं, वो स्टार्टअप्स जो बिज़नेस आइडिया लेके आए हैं, पब्लिक की इसमें एंट्री ही नहीं है। तो इसमें इंशाल्लाह, ताकि हम चाहते थे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखें, क्योंकि जब पब्लिक होती है तो वो असल बात नहीं होती, सीखने की बात नहीं होती, टाइम ज़ाया होता है। इस वजह से हमने ओनली प्राइवेट इवेंट किया है जजेस और स्टार्टअप्स का। आप काइंडली इन्हें बताइए अगला मरहला। सो दिस प्रोग्राम इज़ एज यू नो इज़ ऑर्गेनाइज बाय फाउंडेशन, और आज के इवेंट के हमारे ऑर्गेनाइजर्स जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें हमीद खान फाउंडेशन, स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन साहिवाल, startupgrind.com, उसके बाद साथ ही साथ आप के जो इवेंट के आज के पिज़्ज़ा ऑनलाइन, माही मैक्स, रचना स्वीट्स एंड बेकर्स, राणा मोहम्मद अकरम खान एंड कंपनी, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एडवोकेट्स उकाड़ा। और अभी इस सिलसिले को आगे बढ़ता जा रहा है, लोग हर जगह को देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। दावा देता हूँ मैडम असमा को कि वो आए और तलावत कुरान करीम से आज के प्रोग्राम का बकायदा आगाज करें। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ये हमारे लिए हाई ऑर्डर है कि
आप सब ने इतनी गर्मी में इतने शरीर मौसम में आज हमारे पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए अवसर संभाला, क्योंकि ये बच्चे जिनको आप तैयारी करता हुआ यहाँ पर देख रहे हैं, ये सिलसिला तकरीबन पिछले दो माह से जारी है और हमारा ये इवेंट पिछले दिन होना था लेकिन एक बिजनेस जो एमरजेंसी लगी हुई उस वजह से ये थोड़ा डिले हुआ और बाउंस हुआ, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि बच्चों को मजीद टाइम मिला सीखने का, मजीद उनका कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पर पहुँचा। और जब ये शुरू शुरू हमारे पास आए थे तो बहुत मुश्किल था इनका बात करना, लेकिन आज अलहमदिल्ला काफ़ी हद तक ये बात कर सकते हैं, अपने बिजनेस अपने आइडिया को लेकर कर सकते हैं। अब ही शॉर्ट टाइम में इन सब स्टार्टअप को हम दे रहे हैं एक एक मिनट का मौका कि आप सबके सामने आएंगे और अपना एक मिनट में, इनके पास सिर्फ एक मिनट है, टाइमर साथ चलता रहेगा, एक मिनट से ज़्यादा मौका नहीं देंगे और जजेस से उसके बाद सवाल कर सकते हैं कोई भी सवाल जो वो नोट करना चाहें और आपकी जो मार्कशीट है उसमें आप उन सवालों के जरिए उनकी मार्किंग कर दीजिए। 20 नंबर जो सेगमेंट है पेज के ऊपर, हर सेगमेंट के 20 नंबर है, टोटल 100 मार्क्स वालों को हम आसानी से बता सकेंगे कि कौन सी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन है। तो अगला ताकि हम इस सिलसिले को शुरू कर दें और मैं रिकमेंड करता हूँ स्टार्टअप आर्यू रेडी, तैयार है सर? चलिए सबसे पहले मैं दावा देता हूँ कौन पहली वाला स्टार्टअप अलीशा को, प्लीज क्लैप कर दीजिए अपने पार्टिसिपेंट के लिए। जजेस टाइम नोट रखिएगा, एक मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकते। आपका टाइम शुरू होता है अब। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा नाम अलीशा हाफिज अली है और मेरा स्टार्टअप है अलीशा मेहंदी आर्ट, जिसमें कि मैं लेडीज के लिए हाथों पर ब्यूटीफुल मेहंदी डिजाइन लगाऊंगी और मेहंदी के उसमें डिफरेंट डिजाइन होंगे, लड़की की डिजाइन, फिंगर डिजाइन बहुत इन है, शादी डिजाइन, शादी के ब्राइडल पार्टी, दुल्हन की सिस्टर्स, फ्रेंड्स, कजन्स, मेहंदी के लिए ईच मेहंदी के लिए डिजाइन होते हैं, फुट डिजाइन होते हैं, रिंग डिजाइन होते हैं और मैं बहुत ही लो बजट में एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। एक और मेहंदी पर मुझे कट करना पड़ेगा, उस एक और मेहंदी को मैं 3 से 4 लोगों को लगा कर विद लो प्राइस, लेस प्राइस, लाइक 100 पर मेहंदी स्टार्ट करके और जैसे मेरे बिजनेस इंक्रीज होगा मैं इसको बूस्ट करूंगी, इंक्रीज करूंगी और देन मैं सिखाऊंगी भी कि मेहंदी कैसे लगाते हैं और मेहंदी खुद तैयार करके उसको भी टेलर करके उससे भी प्रॉफिट कमाऊंगी। थैंक यू सो मच जी, जैसे अभी सवाल करेंगे नेक्स्ट सवाल को अगले मरहले में करेंगे, अगले मरहले में करेंगे या अभी करेंगे? ओके ठीक है जी, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को कराएंगे। अच्छा जजेस के लिए एक इंतहाई अहम बात कीजिए कि हमने जब इनको टारगेट दिया था तो हमने ये बोला था कि 3,000 रुपए की रकम है, 3,000 रुपए की रकम के अंदर आप किस बिजनेस को करेंगे, तो इन्होंने जो भी ये बिजनेस आइडियाज लेके आए हैं ये बताए हैं कि 3,000 रुपए के अंदर जिसमें अभी इस उर्दू पंजाबी वो आप उसके साथ मैच कीजिएगा, तो आप सबकी तालियों में हमारी राहत साहब प्लीज कर दीजिए। आपके पास है एक मिनट। जी सर,
आप इनसे बात करें हमारा सवाल ये कि अगर कोई और आपको कोई ऑफिस वाला या कोई यूनिवर्सिटी या हॉस्टल में कोई इवेंट होता है, अगर वो आपको अपनी अपना मेन्यू देते हैं कि हमें ये सब चाहिए, तो क्या आप बनाकर दे सकती हैं? और कितने पर्सन का खाना आप आसानी से बना सकती हैं? 10, 20, 25, 50 ये बताइए मुझे। आपके यहाँ थोड़े दिन में एक आपके बेटी की शादी थी, उसमें 50 लोगों ने आना था, तो 50 लोगों को मैंने ना एक घंटे में देख मैंने उसको बनाया के लिए। तो आपको स्कूल करता है इसकी खबरती का ही शोभा है, तो इसकी स्टैंडर्ड में बहुत है, बहुत बनाया जा सकता है इसको। और इसमें ज़रूरत किस चीज़ की, आपको किसी ऐसे लोगों को बच्चों को या किसी है जो इसको पढ़ा सकते हैं वो इसको पढ़ाए, क्योंकि आपका एक लिमिटेड एरिया है जिसमें आप काम करें। आइडिया ये बहुत अच्छा है, आज का एरिया सबसे बड़ा आइडिया है, अगर हाथ में भी टेस्ट हो तो फिर दुनिया जो होगा वो स्काई से दिखेगा। मैं खुद सलाद में मदद कर सकें, आप मैं खुद ही ट्रेन इस काम में। मैं जहाँ तक ये समझा हूँ कि आप कोई भी फैमिली फंक्शन होता है किचन की जिम्मेदारी जो आपको सौंपी जाए तो आप आपको भी आसान तरीके से निभा सकती है, और लोग मेरा क्या कहना कि आपकी हौसला अफजाई भी करेंगे और आपको भी आगे की अच्छी होगी, यही कहना चाहती हैं जी। थैंक यू। और कोई सवाल जी? बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंटेस्टेंट चॉकलेट बिस्कुट एस ए, प्लीज क्लैप कीजिए। चॉकलेट बिस्कुट एस ए चॉकलेट बिस्कुट 1 मिनट। ओके, कैमरा थोड़ा सा पलट कर लीजिए जी। हाँ जी, ऑडियंस बताइए। हाँ, मैंने जो है वो चॉकलेट बिस्कुट का जो है बिजनेस स्टार्ट किया है एस ए सभा अफसर, यानी कि अपने एज से जो है वो मतलब बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ। जो अलहमदिल्ला जो बहुत अच्छा टेस्ट है और झुका बना हुआ बिस्कुट है, उसमें बच्चों के लिए बड़ों के लिए कुकीज वगैरह भी होंगी, उसके साथ ही मैं बड़े केक वगैरह जो है वो भी हैंडमेड बना सकती हूँ खुद करके। तो इसके साथ ही मुझे अभी जो है नेक्स्ट अपना बिजनेस और बढ़ कर दीजिए, जो है वो सर। मेरा टारगेट जो है वो सबसे पहले तो ये है कि वो एक टैलेंट आप एक जिसका है वो हर बंदे को जो जिस दिक्कत चाहिए कि साथ वो मॉर्निंग में भी शाम टाइम में इवनिंग में भी चाहिए उसे, तो मैं हर इंसान के लिए जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर लूँ जो वो चाहिए साथ मैं जो है वो अपने सारे एरिया से स्टार्ट करूँगी, अपने एरिया में जो करूँगे उसके साथ ही जो है वो व्हाट्सएप इंस्टा फेसबुक पेज पर जो है वो मैं अपना खुद मोनोग्राम भी डिजाइन कर सकती हूँ, और इसके अलावा जो है वो मैं बकायदा जो है वो वीडियोस वगैरह। हाँ जी, हम जवानों को और
ठीक है वाओ क्या माना चाहिए कहने वालों को अभी से वेरी गुड क्लैप कर दीजिए इस जगह हमारा इवेंट जो ही स्टार्ट है ये स्टार्टअप के लिए जजेस ने खुद रिक्वेस्ट की है पहले स्टार्टअप को बुलाइए और गेस्ट आप उधर को ऑब्वियसली जजेस नहीं को आज फाइनलाइज करना है एक मिनट आपके पास अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सद्या मकबूल है और मेरा जो स्टार्टअप है वो इवेंट ब्रांड का है तो मेरा स्टार्टअप है वो ये है कि मैंने कम जो है कम बजट में जो है अच्छा इवेंट डेकोरेट करके देना है और जो मेरे इवेंट की चीज़ें जो मौजूद हैं वो सबसे अच्छी चीज़ है वाटर कैंडल जिसकी लाइफ ज़्यादा है वो बनती है मतलब लो बजट में है और अच्छी ज़्यादा टाइम चलती है अभी तो नहीं करती अगर कोई चाहे तो करती कितने कितने किस्म की आपके पास अवेलेबिलिटी है फ्रेग्रेंस की चार से पांच जी चार से पांच ठीक बर्थडे के अलावा और कोई शादी के फंक्शन या कोई और कोई घर में तकरीबात हो तो आपको आने में या जाने में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सो आपके पास फाइन आर्ट्स का एक्सपीरियंस है इनके डेकोरेटिव बैक स्टेज और जो हमारा बैक बैकड्रॉप होता है उसको अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकती हैं कार्ड्स के साथ अच्छे तरीके से कर सकती हैं या कोई भी जो भी मटेरियल होता है उसके साथ आपकी स्पेशलिटी किसमें है फ्लावर बैलून्स और कैंडल्स इन तीनों में मतलब है पहले मैं फैमिलीज में मतलब कोई इवेंट होता था बर्थडे का होता था या मेहंदी का तो मैं डेकोरेट करती थी पब्लिक में मतलब नहीं किया तो फर्स्ट टाइम मैंने पब्लिक में करना और किसी जज का सवाल एक और सवाल मेरा कि आपको वो लिक्विड में है लिक्विड में तो अगर आपसे काफी किसी को भेजने है उसको शिफ्ट करना है तो वो पूछ सकता है सर मैंने सेम मतलब इस तरह से नहीं करना मेरा ये है ना कि मैंने इवेंट सेलिब्रेट करना है ना तो जहाँ पे इवेंट होगा वहीं पे जाकर उसको रेडी करना वहीं पे वैसे सेम लाइक कैटरिंग की तरह ये लोगों की घरों में जा रहे हैं ये लिक्विड है ना थैंक यू जी बहुत शुक्रिया तो हम जिस तरह बता रहे हैं जवानों को और हमारे सीनियर जवानों को साथ में किस करेंगे तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं चले और सीनियर जवान से पहले एक और जवान है हमारे दरमियान इनका बिजनेस नेम है जी एच पी आइसक्रीम प्लीज क्लैप कर दीजिए और ये बड़ा मुश्किल बन रहा है कि जो स्टेज पे आ रहे बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है और हमारे यूनिवर्सिटी वाले भी जाते जाते वहाँ से सबका डाल होता है इसलिए बड़ा मुश्किल है स्टेज पे आके इनका बात करना एक मिनट आपके पास है जल्दी से अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम हबीब हसन है एज अ टीचर बच्चों को भी पढ़ाती हूँ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ आइसक्रीम का भी एक बिजनेस का स्टार्ट करने का सोचा है कि ताकि बच्चे भी खुश हो जाए और बच्चे का ज्यादा लगाव हो मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं मैं बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ लेकिन बच्चे मैं चाहती हूँ कि बच्चे मेरे साथ अटैच करें जी जल्दी सर सवाल है बर्फ वाली आइसक्रीम मिलती हूँ जिस तरह वो चीको पैक वगैरह की बर्फ वाली आइसक्रीम मिलती है खाने पीने की चीजों में सर
सर इतना तो एक्सपीरियंस है कि बच्चों के लिए जो चीज ज़्यादा खराब ना करे वो ना और तो सर थैंक यू जी जी आर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे हम अजय जी हाँ जी नेक्स्ट डिमांड अजय जी जैसे की तरह से कोई बात नहीं हिम्मत है मरता मदद करता आप सभी तालियों में हमारी इंतहाई छोटी सी टाइटल डिजिटल शादी सर्टी मिशन सामने आपके पास एक मिनट में कारोबार की सरकार को सिर्फ एक मिनट के अंदर अंदर शाबाश मेरे पास अभी चार पांच चीजें हैं तो अभी कोई ना फाइनल नहीं हूँ सबसे ज्यादा उम्र वाले कौन से एक साठ साल का आया है काफी अमीर है वो बंदा मैंने कहा सबसे ज्यादा उम्र वाले कौन से रिश्ते मैंने कहा साठ साल की उम्र के भी है छोटी उम्र के भी है बड़ी उम्र के भी है साठ साल का बंदा है और काफी अमीर है अभी तक आपने कितने जो लोगों को बंधन में शादी के बंधन में बांध चुकी है 10-12 लोग हैं दवाएं देते हैं आपको अभी तक तो देते हैं अभी तो एक ही आया वो बंदा साठ साल की औरत का नहीं अभी आया 45-40-50 की दूसरी बात यह है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी जिम्मेदारी तीसरा यह है कि आपने जिन लोगों को रोके हैं उसका स्वाब है तो कोशिश करें इसमें कि आप उसमें ईमानदारी से सच्चाई से बात गलत बात ना बताए बात में आपके लिए पेश है जैसे आपको ऑफर ज्यादा करवा देंगे बाकी आप 10-20 साल पहले ये जो चीजें आपने वो क्या रखी है ये बता देती है तो कोई ऐसा भी मामला होगा मेरे साथ आपके जिनको आपने कामयाबी से हम बना रहे हैं मैंने वही रिश्ते करवाए जो अच्छे जी थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया आगे बढ़ते नेक्स्ट कंटेस्टेंट एनएम फ्रोजन फूड अच्छा बाकी विषय वाले लोग जरा खामोश रहिए क्योंकि अगर आप ही बात यहाँ पे नहीं होगी तो आपका ही आपको सपोर्ट करने के लिए और आपको किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचाने के लिए हमारे मौजूद मेहमान और जज मौजूद हैं तो इनके रिस्पेक्ट कीजिए छोटे बच्चों को जरा कंट्रोल कीजिए जी आपके पास है एक मिनट जी कंप्लीट करें पूरी बात एक मिनट जी
उसमें हम सुने हैं कि पार्टी के जो एच ओ पी है उनको भी फॉलो करती है, बिल्कुल करती है, श्योर करती है। तो ये जो आपका लिमिटेड मिनिमम कितना आप जो साथ ले सकते हैं और मैक्सिमम कितना बना के ले सकती हैं और क्या तरीका है आपका डिलीवरी का, होम डिलीवरी का? सर फिलहाल अभी जो स्टार्ट किया तो मेरा फिलहाल डिलीवरी सर्टिफिकेट जी और किसी जज का सवाल? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। क्या करिए नेक्स्ट कंटेस्टेंट मिल सोडा एन ए मिल सोडा तो इसलिए मैंने ये बनाया कि उनकी सेहत अच्छी हो, गर्मियों में तो बहुत फायदा दे है। इसको हम चेंज कर लेंगे, जैसे कि इसमें हम दालचीनी ऐड कर लें, इसके बाद हम मैंगो शेक ऐड कर लें। इस तरह आपको पता है कि जो लेटेस्ट रिसर्च है मेडिकल में, उसमें उन्होंने दूध के साथ सोडा को मना कर दिया है। लेटेस्ट रिसर्च चाहिए उसमें, अभी जब हम जवान थे तो हम बहुत पीते थे, अभी हमारे ना बच्चे पीते ना। उसकी वजह ये है कि इंटरनेट पे ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि दूध के साथ सोडा नहीं पाया जा सकता। तो मेरा बस मिशन है कि इसमें आइडिया भी थोड़ा सा चेंज करें, अमेंड करें आइडिया को, क्योंकि ये जो है इस वक्त आप वो जो रिसर्च है उसके बेस चल काफ़ी सक्सेस हो सकती है आपको, लेकिन फ्यूचर भी हो सकता है। आपने सोडा का लफ्ज यूज किया है ना, तो अगर आप सोडा को छोड़ दें तो कोई और चीजें तो बहुत ऐसी जी। थैंक यू सो मच, क्लैप कर दीजिए सर और पार्टिसिपेंट की हिम्मत बढ़ाया दीजिए जी। नेक्स्ट कॉल है जी। ओके, हमारे यहाँ पे जिसका छोटे जवान बड़े जवान एक और बड़ा जवान हमारे दरमियान मौजूद है, आप सब की तालियों में सर जी ऑनलाइन। वो मुझे बना देती है, मुझे हम लोगों को ये चाहिए।
अगर काटी काटते हमारे लोगों का काटते गए वैसे वो कहेंगे मुझे बच्चे से हूँ मैं अपने बेटे के लिए बात है मुझे उनको दे दे तो ब्लड दिए तो रोजाना आप फ्रेश मंगवाती हैं या फ्रीज कर देती दो तीन दिन के लिए कैसे करती आपका जो सब्जी का जो रेट है वो मेरी मतलब मेरी एक मतलब बदलता रहता है कटिंग की क्या रेट है तो पूरी रेट है तो तीसरे पैसे तो चार पैसे देना है तो तीसरे पैसे तो तीसरे पैसे ऐसे करके जो हमारी टीम देते हैं तो इसमें वो सॉरी साग और पालक वगैरह ये शामिल होती है ये चीजें क्योंकि ये साग पालक इस तरह की जो सब्जियाँ होती है ना ये इनको काटना भी मुश्किल है बराबर तो उनके क्या चार्जेस आप लेते हैं उनके जी ठीक है शुक्रिया जी ब्लैक कर दीजिए यहाँ से छोटे छोटे स्टार्टअप अच्छा आगे बढ़े स्टार्टअप का नाम है ट्रैवल बजट जी ब्लैक कर दीजिए ट्रैवल बजट अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है सदर इकबाल मेरे स्टार्टअप का नाम है ट्रैवल बजट मैं पहले बजट खींचती हूँ फिर जो उसमें मटेरियल्स वगैरह होते हैं डालने वाले वो खरीदती हूँ फिर उसको ऑर्डर लेके वो बस स्टॉप की रेलवे स्टेशन और पेट्रोल की टैंकर्स वगैरह से ऑर्डर लेती हूँ फिर अपने भाई को भी अगर सेल करती हूँ फिर वो जो ट्रैवल सफर करने वाले लोग होते हैं उनको सुविधा भी करती हूँ कि वो अगर उनको भूख लगे तो वो मुझसे ले सकते हैं अभी सबसे पहले मैं राणा दान साहब को दोबारा इन्वाइट करूँगा कि वो आए और सबसे पहले जजेस को कहें कि रिजल्ट अनाउंस करें हाँ जी कितने दिनों की मेहनत है और आज रिजल्ट निकलने वाला है लेकिन इस रिजल्ट से निकलने से पहले अनाउंस होने से पहले ज़रूर ये जहन में रखिए सोचिए कि आप कहाँ पे थे किस इलाके में थे आज किस इलाके में बैठे हैं थोड़ी सी मेहनत की है कुछ अर्सा पड़ा है यहाँ तक पहुँचे हैं तो यहाँ रिजल्ट जो भी आएगा उससे घबराना नहीं है डिसहार्ट नहीं होना यहाँ पे ज़रूरी क्या था मुकाबले में शामिल होना मुकाबले के अंदर एंटर होना और इंशाल्लाह हमारा इदारा और साथ ही साथ हमारे जजेस इनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि हमने तीन कैश प्राइजेज रखे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड के लिए लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं और हम जजेस से भी गुजारिश करेंगे कि हर पार्टिसिपेंट के लिए कोई छोटा सा एक ऐसा गिफ्ट वो ज़रूर जहन में रखिएगा जो हम बाद में इनको इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जो प्राइजेस हैंड ओवर करने के लिए जो हमारे इंतजामिया के अहदेदारान हेड हैं हमारे डीसीओ साहब और डीपीओ साहब हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे कि उनके हाथ से आपको कैश प्राइजेस और आपकी जो असनाद है सर्टिफिकेट्स हैं वो आप तक पहुँचाए जाएंगे आज अनाउंस होगा रिजल्ट का और साथ ही साथ हमारे जो यहाँ पे जजेस हैं इनके जानिब से भी आपको सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं तो हाँ जी अब हम शुरू करते हैं प्रॉपर रिजल्ट्स की तरफ और मेरी गुजारिश होगी हमीद खान फाउंडेशन के हमारे प्यारे दोस्त भाई हनान साहब अब्दुल हनान साहब प्लीज़ आइए और अपने जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस कीजिए दिल काबू में रखिए कोई बात नहीं हार जीत तुम चाहे हारो या नहीं तो हमें एक पूरे पाकिस्तान से प्यार है शाबाश अस्सलाम वालेकुम जी मैंने जो टेस्ट किया उसमें नंबर वन पे जो है वो कैंडल का बिजनेस कैंडल हां जी
जो कुकिंग वाला बिजनेस है, जो होम कुकिंग वाला बिजनेस था वो था, और थर्ड पे है मेहंदी वाला। वाओ, और जल्दी में ओके हम आगे चलते हैं। नायना साहिबा आइए नाम रिजल्ट। अच्छा, हाकिम साहब से गुजारिश है, अपना शासन जाफर हुसैन साहब मित्रू साहब प्लीज आइए, अपने रिजल्ट अनाउंस कीजिए। जाफर हुसैन मित्रू साहब अभी थोड़ी सी देर है। अच्छा, कौन से कोर्स का रिजल्ट तैयार है? हनान पीर दादा साहब रिजल्ट रेडी है आज? कभी का सर ये ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, चले ये भी ठीक है। अच्छी 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 आप हमसे ये चार्ट ले लेना। ओके, हमने अपने हमने जो मार्क दिए हैं आप उनमें फाइनलाइज करके एक को नॉन करें, बस एक को सेकंड और तीसरा थर्ड को। ठीक है, ऐसे कर दीजिए, दैट इज परफेक्ट। हां जी, आपस में आपस में यही गुफ्तगू कर लें या स्टेज पे आगे गुफ्तगू कर लें जैसे आपको पसंद हो? स्टेज पे वो लोग आ गए ना जो अपनी आरा देना चाह रहे हैं या कोई आगे प्रोग्राम के बाद। हां हां ठीक है, वन बाय वन आप जिसको एग्जैक्टली देर में आप जो कंपाइल कर ले। ओके ओके ओके, कोई भी जज कोई राय देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो वो जरूर हमारे साथ शेयर करें। मरहला बड़ा ही पेचीदा सा है सब ये देखे जजिस को आप सबने परेशान किया तो सब अपने लिए तालियां बजाए जरा। वो कहते हैं ना कि हाथ पैर खुल गए थे तो तुसी सारे ने जजों के हाथ पैर खुला देते हैं, वो परेशान हो गए ने कि हम खिचो किनू असी फाइनल करिए। इतना अच्छा साडा माशाल्लाह सारे का काम है, आप सब की इतनी अच्छी कोशिश है मेहनत है कि जजिस भी यही चाहते हैं कि किसी का दिल ना दुखे, लेकिन हमें क्या एक इंसाफ को करना होता है। आपके भी जब हाथ में एक हथियार आएगा अल्लाह ताला आपको एक मौका देगा, उस वक्त आपको सही और हक और मैरिट का फैसला करना होगा। तो आज मैरिट के फैसले होंगे, लेकिन जो भी पार्टिसिपेंट हैं वो घबराए नहीं, वो यहाँ तक आए हैं, इसमें भी कामयाब हुए हैं, इंशाल्लाह आगे भी होंगे, परेशान नहीं हो। तो अभी देखते हैं आगे, हमारे मित्र साहब बात करना चाहते हैं, क्लैप कर दीजिए जी हमारे मोहतरम शाह साहब मित्र साहब। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंट्स, मैं सबसे पहले जनाब इमरान साहब का मशहूर हूँ, इन्होंने जो दो दफ़ा इनवाइट किया और ये मेरी खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है कि मैं इनकी कार पर आ जाता हूँ। जो भी हालात ज़ाहिर है हर इंसान के साथ ज़ाती मामला भी होते हैं, एक मैं सब कुछ छोड़ के आ जाता हूँ, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, अभी जो मेरा रिजल्ट तैयार नहीं हुआ उसमें मैं आपको लतीफा सुनाता हूँ। पहले कि मेरा रोल नंबर 100 था जब मैं 72 में कॉलेज में था, रसूल में था। अब जो 99 वो मेरा दोस्त था, होता यूँ था कि पहले मैं अपना पेपर हल करता था, वो अब नीचे टांगों से मुझे अपना पेपर पकड़ा देता, यार ये मेरे पे पेपर हल कर लो। यकीन करें मैं तो उसका पेपर भी हल करता था, और ये अगर फर्ज करो उस वक्त हमारे 12 पेपर थे तो मैं 12 के 12 इसी तरह उसके हल करता रहा। तो ये अब उन मेरे साथ बैठे हैं उनको मुझे नाम तो नहीं याद, राय फिर साहब, तो उन्होंने मेरी इससे हेल्प की है कि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था, कि मेरा मोबाइल है वो मुझे वो इजाजत दे रहा था कि मैं उसे इस्तेमाल करता, तो मैं मालूम चाहता हूँ मेरा रिजल्ट लेट हो गया। अच्छा, बाकी दूसरी बात है कि आज माशाल्लाह मैं ये तमाम जो मेरी बहनें बेटियाँ और माएँ इन्होंने काविश की है, मेहनत की है, अपने स्टाफ सजाए हैं, उनका एक मकसद था और उन्होंने इस मकसद में कामयाबी हासिल की है। गुजारिश यह है कि हर काम में मेहनत लगन और उसमें जो है ना मुसलसल मेहनत की जरूरत होती है। माशाल्लाह पिछला जो सेशन मैंने अटेंड किया उसमें उसका अंदाज कुछ और था, तो आज मुझे उसमें 100% कामयाबी नजर आई है। जिन मेरी बेटियों बहनों और माओ ने अपने प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं, स्टाल सजाए, वो माशाल्लाह बड़े काबिल दीन है, और मेरा भी उनको देख के हौसला बड़ा है कि हमारी बच्चियाँ हमारी खवातीन जो है ये घरों में बैठकर इंशाल्लाह अपनी कामयाबी को यकीनी बनाएगी, और कामयाबी 100% मिलती है जब आप मुखलिस होकर मेहनत करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी है,
लेकिन आपके जो हौसला बढ़ाने के लिए इमरान खान ने इसको और चार चांद लगा दिए हैं। माशाल्लाह इमरान खान का अपना स्टेटस बॉडी वाइज माशाल्लाह बड़े माशाल्लाह मुझे खुश नजर आते हैं। और बड़ी बात जो उनमें मेहनत करने की जो आदत है, मैं तो खुद उनसे बहुत सीख रहा हूँ, बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, क्योंकि इन जैसे लोग ही मुश्किल में कामयाब होते हैं। और मुश्किल में कामयाबी इंसान की हमेशा और मरते दम तक कामयाबी यकीनी हो जाती है, आदत हो जाती है ना। मसलन फर्ज करो किसी बंदे को सुबह उठने की आदत है, थोड़ा जल्दी उठ जाता है, हाँ बारिश हो अंधेरी हो जो भी हो उसको आदत होती है। इमरान खान ने आप लोगों को मेहनत करने की जो आदत डाल दी है वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, और वो आपके हक में 100% कामयाबी का बाज बनेगी। ये छोटी छोटी मेरी बेटियाँ एडजस्ट आइजल को अभी तो उनकी ये उम्र ही नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद घरेलू परेशानियों के बिना पर बंदा सोचता है, उसकी मजबूरी है, किसके बच्चे को खाना ना मिला ना करे, खुदा ना करे ऐसी को आदत हो, लेकिन ये जाहिर होता है कि उसको कोई चीज मजबूर कर रही है, या शौक होता है या मजबूरी होती है। मतलब स्टूडेंट जो होते हैं वो या शौक से पढ़ते हैं या उनको मार से डरते हैं, वालदैन की मार से, उस्ताद की मार से। अब तो उस्ताद बच्चों को हाथ भी नहीं लगा सकता, अब तो प्यार है और प्यार में बिना फर्क हो गया हमारी तालीम का। बेशक मुझे इस बात को मतलब महसूस करे ना करे, लेकिन हमने जो कामयाबी हासिल की है वो यकीन करें कि मार से डरते हुए की है। हमारा टीचर रहा और जनरल रसीब कर, वो मुझे यहाँ से पकड़ता था और ऊपर उठा लेता था, कद मेरा छोटा था हल्का सा था, ये पांचवी छठी क्लास की बात कर रहा हूँ। तो मैं जब घर जाता था ना, मैं अम्मी से अभी मैंने नहीं पढ़ना, अम्मी फरमाती नहीं बच्चे आपने पढ़ना है, मुझे यूँ हो गया कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगर मास्टर ने पीटा है या मारा है तो इसमें आपका फ़ायदा है, और यकीन करें कि मेरा फ़ायदा होगा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे नसीब में था वो मिल गया। लोग कहते हैं कि कोई टाइम की वर्दी तो नहीं है, अच्छा चलो अपने खत्म करता हूँ, कुछ मेरा फर्ज होता है मैं और बोर हो रहे हैं, तो मैं इजाजत चाहता हूँ, मेहनत ज्यादा ज्यादा से माँ मेहनत करे, सब बच्चों को और सब अपनी माओ बहनों को मैं इस तरफ से रिक्वेस्ट है, आप कामयाब होगी और इन सब आप कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, आपका रिजल्ट अनाउंस करने से पहले हम ये जरूर चाहेंगे जो हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे टीचर्स हैं वहाँ पे, उनमें से जो ब्यूटिशियन की एक्सपर्ट हैं, टीचर हैं, ट्रेनर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा वो आएँ आज के प्रोग्राम के बारे में और अपनी मेहनत के बारे में और अपने स्टूडेंट्स के बारे में कुछ कहें। मैडम सिद्रा प्लीज क्लैप कर दीजिए। मुझे 2 months हुए हैं इस इदारे के साथ जुड़े हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेस्ट काम जा रहा है अभी तक जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, और ये आज हम सबकी 1 हफ्ते की मेहनत है, ये हमने 1 हफ्ता इनको ट्रेनिंग दी थी, जो ये 1 हफ्ते की मेहनत इन्होंने आपके सामने पेश की है। तो थैंक यू प्लीज प्लीज हैव अ सीट। अच्छा दूसरी हमारी कंप्यूटर टीचर है लेकिन वो भी स्पीकिंग पावर में थोड़ी सी कमजोर है, तो वो उनकी तरफ से इनको 30 सेकंड। अच्छा जी चले, अब जजेस की जानिब है जी सारा गोल और मुद्दा, और इस दौरान मैं चाहूँगा पहले जो हमारी जबोका की टीम है वो तीनों यहाँ पे अफराद आए, और हम चाहेंगे हर कंटेस्टेंट के साथ तीन कंटेस्टेंट आएंगे और उनके साथ एक ग्रुप फोटो हो जाएगा, फिर आप जजेस जो है काइंडली फाइनल समअप कीजिए, हम फौरन आगे जा रहे हैं जी। नायला भट्टी साहिबा, मित्रू साहब और शाह साहब, मित्रू साहब आप तीनों आइए, आप तीनों जो के तशरीफ लाए हैं स्पेशली जुबोका से, तो आपके लिए आपके ग्रुप को और ये पूरी टीम जो है, नायला भट्टी साहिबा को भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप बताएं कि ये किस तरह घर में बैठ के वीडियोज़ के जरिए, मैं पहले इनको अनाउंस बुला रहा था लेकिन ये रिजल्ट्स को फाइनलाइज कर रही थी, इनको हमने एज अ रोल मॉडल बनाया अपने इदारे में, और इन्होंने वहाँ पे आके इस चीज़ को साबित किया कि ये भी एक विलेज से का ताल्लुक रखती हैं, घर में रहती हैं, लेकिन 15 रुपये से इन्होंने कमाना शुरू किया था और अब हर महीने 1.5 लाख रुपया वीडियोज़ बना के कमा रही हैं। मैं नायला भट्टी एंड आई एम एन एंकर पर्सन इन ऑल ओवर पाकिस्तान,
and I am providing my services in Joboka town and in abroad countries like UK, Australia, America and especially in UK. वेब चैनल के लिए मैं काम करती हूँ और अपने घर पे मैंने एक स्टूडियो बनाया हुआ है जिसमें मैं मतलब कि अब के दौर का मैं जो मेरा जो काम है ना वो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडिंग है. सो मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ. ये न्यूज कास्टिंग के लिए जो सब डिफरेंट टीवी चैनल्स हैं वो इससे रब्ता करते हैं और अपनी न्यूज उसको भेज देते हैं, उसको रिकॉर्ड करके ऑडियो भी सेंड करते हैं, फिर उसकी वीडियो भी सेंड करते हैं और स्टूडियो भी इन्होंने अपने घर के अंदर बनाया हुआ है. इवन के मैंने मुझे मौका मिला विजिट करने का, मैंने देखा कि आगे मैंने जो बच्चों का जहाँ बेडरूम है और जहाँ सीआर पेज होती है उसके ऊपर ग्रीन कपड़ा लगा के स्टूडियो बनाया है और उस स्टूडियो से उस कपड़े से 1.5 लाख रुपया हर महीना कमा रही है. माशाल्लाह सुभान अल्लाह. बच्चे इनके साथ होते हैं, ये इस चीज को फेस कर रहे. आप ही देखिए कि बच्चे बेशक साथ हैं लेकिन फिर भी वो पैसे कमाने से पीछे नहीं हट रही. अच्छा एक्सक्यूज मैं दोबारा फिर हाजिर इसलिए हो रहा हूँ कि नायरा साहब वो बच्चों की वजह से नहीं बोल पा रही. मैं इनकी शिगिर्दी में काम करता हूँ कार्डियो मैडम, इसमें इतनी अलग तरह ने खूबियाँ को अता की हैं कि मैं इनका शिगिर्द हूँ. ये मैं शौकी हूँ, मुझे जरूरत नहीं है. अलहमदिल्ला आई एम गेटिंग 90,000 पर मंथ इन शेप ऑफ पेंशन. रिटायर्ड 170 ग्रेड में, लेकिन मैं मुझे शौक था जैसे अलहमदिल्ला मैं बोल रहा हूँ. ये मेरा एक मेरा शौक है, ये नहीं कि मैं बतूनी नहीं हूँ कि चौकों में खड़ा जाऊँ, वो बात नहीं है. लेकिन स्टेज पर बोलना ये एक इंसान की सआदत होती है. अच्छे लोगों से बात करना, उनको एड्रेस करना, ये खुशकिस्मत बंदे की कहानी है, आप पता नहीं कर सकता. तो मैं नायरा साहब की तरफ से उनको निमंत्रण कर रहा हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है, यकीन करें. मेरे गांव की है, मैं 44 ये लाहौर मेरा फिर गांव वापस आ गया तो इनकी मैंने सुना है ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती है, न्यूज़ पढ़ती हैं मुख्तलिफ चैनल आल यानी पूरे हमारा पंजाब के पास है ही, यूके से भी है तो बाहर के मुल्कों से भी जो उर्दू वहाँ पे चैनल है उन पे काम करती हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह शी इज गेटिंग 1.5 लाख पर मंथ. अभी इनके जो वसाइल है वो बहुत कम है, इनको घर के घर से निकलने की इजाज़त शायद मिलती कि नहीं. आउटसाइड इनकी जो शूटिंग का सिलसिला वो भी हम चलाते हैं, हम लोग दोनों साथ होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी कामयाब है. और अगर मेरी मुदाखलत ना होना तो बुरी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि वो कुछ बात नहीं कर रहे हैं, वो बच्चों की वजह से आपके सामने बच्चे काम कर रहे हैं. सो सॉरी मैं रिटायर्ड 70 ग्रेड का अफसर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है. लेकिन ये उनकी मेहनत की कमाई है, वो भी जानते हैं कि मेहनत कौन करता है, फोन नंबर कहाँ से आता है वो उनको ही पता होता है. माशाल्लाह वो वेल नोन बंदे होते हैं और वो इंसान की चाल और उनकी घर की पोजीशन से भी असेसमेंट हो जाती है कि ये बंदा कितने पानी में है. सर बिल्कुल आपने ध्यान फरमाया कि किसी भी ईमानदार के बंद करने अगर पकौड़ों की दुकान भी खोल ली है ना तो मेरा इनिशिएटिव होगा उसमें. बिल्कुल क्यों नहीं क्यों नहीं. अब वो घर के अंदर अब यदि बच्चों को घर का सारा मसला उनकी माशाल्लाह फैमिली है, सामंद है, ससुर है उनके, उनको सबकी देखभाल भी करती है, बच्चों की खिदमत भी करती है. इसके साथ साथ यकीन करो रात दो तो एक एक बजे तक खबरें पढ़ती हैं और उनको मतलब विश्वास के थ्रू उनके चैनल पर देख रही है. सो थैंक यू अगेन, थैंक यू मुझे बर्दाश्त किया, थैंक यू. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अगर आबदू भाई अगर तमाम
मुफ्त मेहमान आने ग्रामी आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त आपने दिया। इमरान इम्पैक्ट वाला ये कोई ना कोई मुनफरिद काम करके ना अपना एक नमाया मुकाम इसने इंतहाई करीब वक्त में बनाया है, तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि किलाया पर्ची बने। आज के इस दौर में इन हालात में इस तबके को स्टैंड करना, उन्हें ट्रैक पे चढ़ाना ये एक बड़ी सादत है और ये गॉड गिफ्टेड क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है। सरमाया कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखता, लेकिन सरमाया का दुरुस्त इस्तेमाल जो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी भलाई के लिए काम करना ये सदका जारिया है। तो अगेन थैंक्स आपका इमरान भाई, ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट है आपकी, बड़ी अच्छी कहावत है। इसके साथ साथ मैं मीडिया के प्लेटफॉर्म से, मैं उकाड़ा प्रेस क्लब का मैं वाइस चेयरमैन हूँ, तो मैं जितने भी ये जो नई टीम है इनको जहाँ हमारी सपोर्ट होगी इंशाल्लाह फुली सपोर्ट करेंगे। जहाँ डिजिटल इंतजामिया में हमारी मदद की जरूरत होगी हम हर अव्वल दस्ते का करदार अदा करेंगे। ये मैम बैठी हैं स्पेशल एजुकेशन से, गफूर साहब, जहाँ जेब नज़ीर और बाकी मेरे भाई भी बैठे हैं। तो आप लोगों ने मायूस नहीं होना, ये इनिशियल स्टेज है, ये अभी आपकी शुरुआत है। अगर आप लोगों की बातों में आ गए कि ये आपने क्या शुरू कर दिया, लोग बातें करते हैं लेकिन कोई देता नहीं है अपने पास से, आपको बड़ी मुश्किल आएंगी, लेकिन आप लोगों ने साबित कदम रहना है। तो इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा। आप जब आपकी इनकम अच्छी होगी, आपके वसाइल अच्छे होंगे, तो हर तबके के लोग आपको सल्यूट करेंगे, आपकी इज्जत और तकरीम करेंगे। तो मैं इस लिहाज से एक मरतबा फिर इमरान और उनकी पूरी टीम को, ये जो मैम बैठी हैं बाकी टीम है, तो इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और एक मरतबा फिर मैं ये कहता हूँ कि जहाँ हमारी सपोर्ट इमरान भाई, हम आपके लिए बिल्कुल छाना बिछाना खड़े होंगे। थैंक यू। और आखिरी बात ये है कि आपने हर कम्युनिटी से आप लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं। आजकल हमारी इंतजामिया का फोकस है वो ट्रांसजेंडर की तरफ ज्यादा है, वो जहाँ से भाई बैठे हुए और डिप्टी कमिश्नर निशान अजीज से भी बात हुई थी, तो वो सारे का सारा जो इंतजामी मशीनरी है वो उनकी खोज लगाने में लगी हुई है। मेरा ख्याल 500+ उन्होंने ढूंढ ली है बंदे, तो उनकी भी हमने हौसला अफजाई करनी है। ये वो लोग हैं जिनको हमने बेराजमी से बचाना है, उनको बड़ा इज्जत रोजगार प्रदान करना है। हमने ये सोचना है कि ये जो लोग जिनको हम अच्छी निगाह से नहीं देखते, ये अगर हमारी फैमिली का हिस्सा होते तो हम फिर क्या करते, तो हमने उनको भी मकाम दिलवाना है। और ये जो टीम बैठी है जिन्होंने शुरुआत की है, इनको भी हमने इनके साथ चलना है और इनकी हौसला अफजाई करनी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, आपने जिक्र किया तो मैं जिक्र के साथ जिक्र को जोड़ूंगा कि डिजिटल व्यू वेलफेयर फाउंडेशन का एक एजाज जो बहुत सारे हमारे उकाड़ा के लोग नहीं जानते। आपने कहा कि हमने शायद ट्रांसजेंडर तबका के ऊपर काम नहीं किया या उनके ऊपर वर्क नहीं किया, तो पुलिस तहफ़ मरकज वाले हमारे जो दोस्त मौजूद हैं ये इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करके ज़रूर बताएंगे कि जो पाकिस्तान का पहला पुलिस तहफ़ मरकज इस्लामाबाद में बना, उसको बनाने वाली जो ट्रांसजेंडर खातून थी वो उकाड़ा से ही उसका ताल्लुक है, और डिजिटल व्यू वेलफेयर फाउंडेशन की वो वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी है। ये स्थापित मरकज इस्लामाबाद की हेड नायाब अली, उसका सही नाम अरसलान, जो कि बाद में उसको जब वालदैन ने और घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया तो डिजिटल व्यू वेलफेयर फाउंडेशन ने उसको हर प्लेटफॉर्म पे उसके साथ अप्रिशिएट किया, सपोर्ट किया। तो उस कम्युनिटी का हमारा एक छोटा सा काम वो हमने आपके साथ किया, सब उसको जरूर देखें। अब तो मैं बिना तहखीर चाहूँगा हमारे दरमियान जो बहुत ही हमारे लिए इंतहाई ऑनरेबल है, और जब हम अच्छे काम की बात कर रहे हैं तो उकाड़ा में जो सबसे अवलीन काम जिनका है ना, उनको अगर हम ना बुलाएं और उनसे कुछ अल्फाज ना सुने तो ज्यादती होगी। आप सबकी भरपूर तालियों में उकाड़ा पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर जिन्होंने उसकी पहली बुनियाद रखी, चौधरी अब्दुल गफूर साहब, जोरदार तालियों बगैर किसी पैसे के आपका मरीज मरना होगा तो उकाड़ा पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी बगैर चेक काटे उसका इलाज कर देगी, उसको देखभाल करेगी और पैसे ना भी देगा तो उसको बाय बाय करेगी। सर बहुत शुक्रिया आपका। मुझे सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, खासतौर पर इमरान सबका, मैडम सिद्धार्थ का, कि इन्होंने मुझे इस
एक बहुत खूबसूरत इवेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा आइडियाज हैं, बहुत सारे आप लोगों की हिम्मत की दास्तान है। ख़ास तौर पे आप लोगों को ख़वातीन के लिए एक बड़ा विंडो ओपनिंग है कि आप लोगों ने बड़ी हिम्मत की है, कोशिश की है। मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया। इसमें मुझे इस कदर अच्छा फंक्शन आपका होगा और हम बेसिकली मेरा ताल्लुक जो मेरा ज़िंदगी की जो अचीवमेंट है, वैसे तो मैं बिजनेस में हूँ लेकिन मेरी ज़िंदगी की अचीवमेंट ये है कि अल्लाह ने मुझसे ये काम किया है कि अकॉर्ड ऑफिशियल वेलफेयर एसोसिएशन इस वक्त तिबाड़ा में शेख साहब जानते हैं कि सबसे आला काम कर रही है। और हमारे इस वक्त 9 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें हमारा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉज जो है ना वो 150 है तकरीबन। और हम शुक्र अल्लाह का कि बड़े कामयाबी से 14 साल से ये सिलसिला जारी है। हॉस्पिटल में 14 साल से 3 वक्त का मरीजों को तब फ्री खाना जो है वो कड़ा पेशेंट एक्सेस से दिया जाता है। और मैं तो एक हिस्सा हूँ यहाँ पे पड़ा के ताजर सारे मेरे साथ शामिल हैं और जितने भी लोग अच्छे लोग हैं और पड़ा के हैं सारे तकरीबन हमारे मेंबर हैं। तो मुझे आज इस बात पे बड़ी खुशी हुई कि आपने बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स बनाई, लेकिन एक मैंने कभी मैं फील किया है इसमें सारे में कि ये जो हमारे मुल्क के जो सबसे बड़े मसाइल हैं ना वो है साफ पानी। क्योंकि मेरा फार्मास्यूटिकल से तल्लुक है तो मुझे पता है कि जब गर्मी आती है ना तो हमारे बिजनेस बहुत बढ़ जाते हैं, इस वजह से कि वहाँ पे साफ पानी ना होने की वजह से लोगों में डायरिया और ये जो मुख्य पेट की बीमारियाँ, तो पानी ज़्यादा पीते हैं, पानी साफ नहीं है। तो आप लोगों को इस पर भी काम करना चाहिए। ये ऐसा काम है जो घरों में आप कर सकती है, बड़ा ईजी है, बगैर कुछ पैसे के सिर्फ पानी को उबाल लें और उबाल के आप उसको पैक कर दें। तो हाँ, मेरा ख्याल था जब मैं ढूंढ रहा था तो मुझे कोई भी ऐसा कर लें। हाँ, ये मैंने हाँ क्योंकि देखिए इसका मेरे पास जब सबसे पहले नेस्ले वाले आए ना शेख साहब डिस्ट्रीब्यूशन देने के लिए, तो मैंने उनको कहा भी 25 लाख का पानी बोतलों में पैक करके हम गोदामों में बंद कर लें तो ये नहीं हो सकता। मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं, पानी तो अवेलेबल है। उन्होंने कहा जी मन आएगा सबसे बेहतरीन बिजनेस ये होगा और वो ज़माना आ गया है। आज हम उसको जितना बढ़ा लें जितना कर लें सब। इसमें दो चीज़ें बड़ी अच्छी शामिल है, एक तो आप लोगों की खिदमत करेंगे, दूसरा आपके अपने घर में कैरियर फेमल कर जाएगा कि पानी साफ पीना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। तीसरा ये है कि आप लोगों को जब रीच लोगों की बढ़ जाएगी पानी पे तो बहुत सारी बीमारी का खत्म हो सकते हैं। हम इसी पे काम कर रहे हैं कि लोगों को एक होता ना बीमार लोगों को आप अप्रोच करते हैं कि आपके हेल्प करें, एक होता है कि बीमार होने से बचाना लोगों को, वो स्टेज पर ही ना आए। तो हमारा ये भी हमारे टारगेट में शामिल है कि हम अपने लोगों को शौर देना चाहते हैं कि पानी बहुत सारी बीमारियों का मुझे हो सकता है अगर आप उसको साफ नहीं दे। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे बताने का और मुझे इस मौसम में बहुत शुक्रिया। लॉट ऑफ ऑनर फॉर असाल के आप सबके दरमियान और हम सबके दरमियान आप मौजूद हैं। आप हमारा तन फुल वक्त मसरूफ होते हैं और आज आप सब बच्चों आपके लिए ये बहुत बड़ा सबक और एसेट है कि उकाड़ा पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी वाले यहाँ मौजूद हैं और खवातीन की इंस्पायरेशन और खवातीन से वर्क में जो पूरे पाकिस्तान में एक ऐसी खातून है जो काम कर रही हैं और हमारे लिए इंतहाई खुशकिस्मती ये है कि उनका ताल्लुक उकाड़ा से नहीं है लेकिन उकाड़ा एक डिवीज़न के अंदर आता है जिसको कहते हैं साहिवाल डिवीज़न और साहिवाल से ताल्लुक़ है। स्पेशली साहिवाल से अपने सारे प्रोजेक्ट्स को ऑफ करके और आप बच्चों को बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए, दुआ देने के लिए और आपके रिजल्ट फाइनल करने के लिए हमारे दरमियान तशरीफ आई है। आप सबकी भरपूर फैमिली में बल्कि खवातीन तो खड़े होके अपनी खवातीन के लिए करें ना, वुमेन फैमिली मैन। अस्सलामुअलैकुम। कुछ ज़्यादा बोल देते हैं हमेशा से। मैं स्पीच थेरेपिस्ट हूँ, बिहेवियर टेक्नीशियन हूँ, चाइल्ड कंसल्टेंट हूँ, लेकिन मुझे लगा ये काफ़ी नहीं था, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी मुझ पर,
because I want to be a role model for other ladies. So मैं eBay expert हूँ, कुछ जानते हैं मेरे लोग. eBay is my second biggest जहाँ आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं. मैं सबसे पहले जब भी कोई आइडिया देखती थी तो सोचती कोई प्राइवेट प्रोडक्ट अगर यहाँ से मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात हो सकती है. लेकिन कुछ ऐसा नज़र नहीं आया, लेकिन एक स्पार्क था विद कैंडल हैंगर्स. अगर वो कैंडल वैक्स कैंडल होती और अगर उसमें कुछ फ्रेग्रेंस होती और अगर उसमें कुछ लाइटिंग कुछ ग्लिटर होते तो मे बी वुड बी माई नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो और रही बात सोशल मीडिया के यूज़ की, बहुत बहुत प्रॉपर कहते हैं ना कि हलाल इस्तेमाल किया है मैंने सोशल मीडिया का फॉर इमरान साहब. तो मुझे आइडिया है कि हम पाकिस्तानी औरतें क्यों पीछे रह जाती हैं सिर्फ ये सोच सोच करके हमें कोई परमिशन नहीं देगा. सो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमारे अपने ऑब्स्टिकल्स हैं जो हम दिमाग में रख कर बैठे होते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. व्हेन यू हैव अ गट्स, व्हेन यू हैव अ कॉन्फिडेंस टू एक्सप्रेस टू कन्विंस एनीबॉडी, वो आपके फादर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं. अगर आप में इतने गट्स हैं ना तो कोई भी आपको स्टॉप नहीं करेगा, बल्कि यस वी आर विद यू. सो आई स्टार्टेड दिस थिंग और फिर उसके साथ साथ मैं अक्सर अपने साथ स्पेशल एजुकेटर्स लिखती हूँ. और इसी अप्रोच के साथ साथ जो है मैं यूनिसेफ, सब लोग जानते होंगे यूनिसेफ इज द बिगेस्ट एजुकेशन एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया में काम करती है. मैं उसकी मास्टर ट्रेनर हूँ, हम लर्निंग डिफिकल्टीज पे काम करते हैं. तो ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ, आई हैव अचीव्ड दिस थिंग, सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि जब आप किसी भी ट्रैक को अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर उसको कॉन्टिन्यू करना उस पर बहुत रास्ते निकलते आते हैं. तो अगर आज आप यहाँ हैं तो ऑब्वियसली नेक्स्ट पार्ट भी जरूर कहीं ना कहीं जरूर निकलेगा और वो आपको आगे तक लेकर जाएगा. मैंने भी नहीं सोचा था कभी 10 साल पहले कि मैं यहाँ खड़ी होंगी और यूनिसेफ वालों की मास्टर ट्रेनर होंगी, उसकी वेबसाइट पे मेरा नाम होगा. मैंने कभी नहीं सोचा था. और अब मैं पाकिस्तान की सेकंड ऑटिज्म एडवोकेसी लेडी हूँ. ऑटिज्म एक आदमी है, वो हैं तो वो पाकिस्तानी डॉक्टर मंसूर, लेकिन वो हैं यूएसए में. वो उन्होंने PhD की है ऑटिज्म में. तो एक वो एडवोकेट हैं और एक मैं हूँ यहाँ. तो ये सब चीज़ें इसीलिए पॉसिबल होती हैं कि जब आप डिवोटेड होते हैं. तो मुझे भी नहीं पता था 10-15 साल पहले ये सब चीज़ें मैं अचीव कर लूँगी. तो जो चीज़ें आज आपको मुश्किल लग रही हैं, आई प्रॉमिस अगर आप डिवोटेड रहेंगे तो मुझे तो 10-15 साल लगे, आप लोग 5 साल में कर देंगे. बिकॉज हमारे दौर में वो स्मार्टफोन नहीं होता था. मुझे याद है व्हेन आई वाज बाइंग माय फर्स्ट फोन तो वो 1100 का था, वो टच वाला नहीं होता था, सिर्फ टाइप बटन होते थे उसमें. और फिर जब मेरा पहला लैपटॉप आया तो मुझे याद है मैं आई थिंक इट्स 2010 इस वक्त मैंने पहला लैपटॉप खरीदा और उसके ऊपर अपनी पहली रिसर्च स्टार्ट की. तो अब तो सबके पास स्मार्टफोन है. मैंने आंटी से पूछा इनके पास कौन कौन सा, बिकॉज ये मैचिंग मेकअप का फोटो शोटो से बड़ा ताल्लुक होता है. लड़के की फोटो भेजो, लड़के की फोटो भेजो. तो मैंने कहा कौन कौन सा, जब मेरे पास इनफिनिक्स है तो बस ठीक है, बहुत अच्छा है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने टेक्नोलॉजीज के साथ अपने आप को अपग्रेड रखते हैं ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता ग्रो करने से. जिस तरह यहाँ एक मिस है, शी इज अ यूट्यूबर, शी इज प्रोवाइडिंग द वॉइस सर्विसेज, मतलब औरतों के तो बोलने का काम होता है. और अगर आप उस बोलने के आज समझ में आप कुछ भी भेज सकते हैं. सो बहुत कुछ है दुनिया में, बहुत कुछ सेल किया जा सकता है, बहुत पोटेंशियल है. सिर्फ आपको ट्रैक चूज करना है, बहुत ज़रूरी है. कोई कुछ नहीं कहता, दुनिया में इतनी औरतें चली फिरती हैं, ये सिर्फ बहाने हैं. वो छेड़ देगा वो रास्ते में, यकीन माने कुछ नहीं होता, नथिंग इज हैपनिंग. मेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे ओपन है सबके लिए, मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ आती हूँ, इट्स टोटली ओपन, नोबडी कैन हरेस. अगर कोई बेवकूफ़ी करता भी है तो वी हैव अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द ब्लॉक, राइट? कितना आसान है ना, हम उसको ब्लॉक कर देते हैं. सो प्लीज़ ये ऑब्स्टिकल्स हैं, कोई क्या कहेगा, इन सबको ब्लॉक कर दीजिए अपनी लाइफ से और ग्रो अप. और जब आपकी जेब में पैसे होंगे ना, सब यस बोलेंगे. और मुझे पता है कि पैसे की बात बहुत जरूरी होती है, बहुत बहुत. आपके गलत बात को भी लोग सच की तरह सुनते हैं. इफ यू हैव मनी, आपके आपकी गाड़ी की जो है ना वो मॉडल से डिसाइड किया जाता है, इज शी रिस्पेक्टेबल और नॉट. आपके फोन मॉडल से लोग डिसाइड करते हैं क्या है या नहीं.
आपने डिसाइड करना है कि ये मटेरियलिस्टिक चीजें पैसों से आती है और उसके लिए बिजनेस किया जाता है, उसके लिए सर्विसेज दी जाती हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा से सर्विसेज को, बिकॉज आई एम अ थेरेपिस्ट बोलकर, बिकॉज थेरेपिस्ट का काम ही बोलना होता है। तो ऑब्वियसली थेरेपीज, स्पीच, सर्विसेज, इसमें औरतें बहुत माहिर होती हैं। जो लोग, लड़कियाँ बहुत अच्छा बोल सकती हैं वो यहाँ आइए, कॉन्फिडेंस से बात कीजिए। कुछ में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था, आई रियली अप्रिशिएटेड, और कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज थी, लेकिन उनके आइडिया में बहुत पावर थी। सो लेट्स सी, अगर बताइए कि बिजनेस जो है वो बेस्ड करता है कि वर्ड्स इन हैंड्स क्या होता है, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें हैं, और उसको कैसे यूज करते हैं, बिजनेस आइडियाज को डिवाइड कैसे करते हैं, फाइनेंस कैसे मैनेज करना है। अगर इनको ये समझ में आ जाएगा तो यकीन मानिए कल को यहाँ बड़े लोग भी बैठे होंगे तो दे कैन स्पीक वेल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, ग्रेट ऑनर। यहाँ पे एक छोटी सी बात, जैसा आपने एक जाते जाते सवाल पैदा किया कि इनको मजीद सिखाना है, तो सबसे पहला ये जो मरहला था, ये मरहला था, इस मरहले के पीछे जो सिर्फ एक मैसेज था वो ये था कि सोच को बदलना है। सबसे पहले सोच बदलेगी तो अगला कदम आएगा, स्टेप बाय स्टेप है। तो अभी हमने क्या सोच बदली है, ये सब डिफरेंट जॉब्स कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। और हाँ, जॉब्स के साथ हमेशा याद रखिए, मोस्टली लोग ना मोटिवेशन स्पीकर्स की बात को सुनकर फौरन जॉब छोड़ देते हैं, बिजनेस की तरफ आ जाते हैं। बिजनेस मरहला तो बहुत अच्छा है, चीज बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें स्ट्रगल और मेहनत चाहिए होती है। और अगर बिजनेस को आप जल्दी शुरू कर लेंगे तो वो उस पर टाइम तो लगेगा सेट होने में, लेकिन बेहतर हो जाएगा। जॉब को छोड़ना नहीं है, जॉब को कंटिन्यू रखना जब तक आपका बिजनेस, अच्छा जॉब के साथ बिजनेस को कंटिन्यू रखना है, जॉब के साथ बिजनेस को कंटिन्यू रखना है। और जब आपका बिजनेस आपको चार तनख्वाहें हर महीने देने लग जाए फिर आप उस जॉब को छोड़ें, पहले नहीं छोड़ना। कब छोड़ना है, जब आपका बिजनेस आपको चार तनख्वाहें देने लग जाए एक साथ, फिर आप नौकरी छोड़ दें, सिर्फ बिजनेस पे फोकस कर दें। लेकिन जब तक आपका बिजनेस इतने पैसे नहीं निकाल रहा उस वक्त तक आपको नौकरी करते रहना है, ताकि जो नौकरी से पैसे आ रहे हैं वो ही इन्वेस्टमेंट आप अपने बिजनेस में लगाते रहेंगे और उसको बढ़ाते रहेंगे। तो हमारा ये सबसे पहला मरहला था सोच को बदलना है, अब इंशाल्लाह सोच बदली है, अब इनके अंदर भूख और तड़प पैदा होगी, इनके अंदर और ज्यादा सीखने का शौक पैदा होगा, और हम जो सिखाएंगे वो इंशाल्लाह इस पे अमल भी करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हनान पीरजादा साहब से गुजारिश है, आप सबकी भरपूर तालियों में, ऑनलाइन बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं, यही इनका मेडिकल की फील्ड से भी ताल्लुक है, उसमें भी कुछ एक्सपीरियंस रखते हैं। जो थेरेपिस्ट होते हैं ये खुद बता सकते हैं किस चीज़ के हैं, क्योंकि मैं उसमें माहिर नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ऑनलाइन अर्निंग भी करते हैं, और हमारे लिए बहुत अच्छे उकाड़ा का फख्र है हनान पीरजादा साहब। ज़्यादा है, मैं पाकिस्तान का पहला प्राइवेटर डॉक्टर हूँ और क्वालिफाइड, उसके अलावा मैं सर्टिफाइड एनएलपी थेरेपिस्ट हूँ जिसमें माइंड साइंसेस को डील किया जाता है, और उसके अलावा मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ जिसमें आपकी डाइट और फिटनेस को डील किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं शुक्रगुजार हूँ राणा साहब का कि उन्होंने मुझे, पहली दफ़ा मैं यहाँ पर आया हूँ, नॉर्मली इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैंने आज ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जब भी ये खिदमत को मौका देंगे मैं ज़रूर हाजिर होगा। थर्डली मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, बिजनेस मैंने पाँच दफ़ा किया और पाँचों दफ़ा कोई ना कोई नया एक्सपीरियंस मुझे हुआ, पार्टनरशिप जो थी मतलब हर दफ़ा ही मुझे पार्टनरशिप ने बहुत ज़्यादा नुकसान दिया, शायद उसमें मेरी ही गलती थी कि मैंने सही लोगों के साथ नहीं की। मैंने ये देखा कि आपकी जो एडवर्टीजमेंट होती है किसी भी बिजनेस की, बेसिकली बिजनेस मुझे तो वही लगता है, आप काम कोई भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं डॉक्टर बन गया, मैं समझता था कि बस मैं जाऊँगा क्लिनिक खोलूँगा और फिर धड़ाधड़ पेशेंट्स आना शुरू हो जाएंगे मेरे पास, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे अच्छी खासी अपनी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ी, सीनियर्स के साथ काम करना पड़ा, और इस तरीके से फिर आगे काम चला। तो जो भी आप काम करें उसमें आपकी एडवर्टीजमेंट सबसे बड़ा की रोल प्ले करती है। कोका कोला या पेप्सी को अगर आप देखें तो वो अपना जितना भी उनका रेवेन्यू है 15% वो पर ईयर खर्च करते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट पे, जबकि
मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसा कंट्री है जहाँ पे कोका कोला या पेप्सी जैसे ब्रांड्स को कोई नहीं जानता या यूज़ नहीं करता। तो आप जितने भी बच्चे हैं उनको एक तो बैकअप का मैंने अक्सर बच्चों का यहाँ देखा कि उनको बैकअप का मालूम ही नहीं था। ठीक है, जब भी मैंने किसी से पूछा उसने कहा कि मैं 4,000, 10,000 या $1,00,000 मुझे चाहिए इसके लिए काम के लिए, बट जब मैंने उनसे बैकअप का पूछा तो उनको पता ही नहीं था कि बैकअप क्या है। अगर आप 2,00,000, एक बच्ची ने मुझे कहा था यहाँ पे कि 2,00,000 मुझे चाहिए हैं तो मैं स्टार्टअप अपना कर सकती हूँ राइट, लेकिन आप उसमें से 50,000 इन्वेस्ट करें, 150 आपको बैकअप रखना है। ये गलती मैंने की थी वैसे, ठीक है, मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी और वो हर किसी की होती हैं, लेकिन बैकअप के बगैर आप कामयाब नहीं होते। छोटे से शुरू करें और एडवर्टीजमेंट अच्छी करें तो आपका बिजनेस लाजमी कामयाब होगा। इसे नंबर पे मैंने यहाँ पे 3-4 ऐसे स्टॉल्स देखे जिनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन 3-4 ऐसे देखे जिनकी प्रेजेंटेशन में मुझे वो समझ नहीं लगी उसकी, वो मुनासिब नहीं थी, उनको मज़ीद लर्न करना चाहिए। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा दो चीज़ें, एक तो ये कि मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, जितने भी यहाँ पे हमारे दोस्त अहबाब बहनें बेटियाँ मौजूद हैं उनके लिए मेरी सर्विसेज फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब भी चाहें वो आप सब अहबाब में से कोई भी मुझे रब्ता करेगा मैं उसके लिए हाजिर हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी फीस। और दूसरे नंबर पे ये कि जहाँ तक ऑनलाइन अर्निंग का है तो मेरे पास पेड कोर्सेज मैंने खरीदे थे कुछ अपनी ज़ात के लिए, जिसमें अमेज़ॉन है, एयरबीएनबी है, क्रिप्टो है, स्टॉक्स है, ठीक है, वो 6-7 कोर्सेज हैं। तो अगर किसी भी दोस्त को वो चाहिए हो तो जितने भी बच्चे हैं उनके लिए तो एज जो है उनको क्या देंगे गिफ्ट, एज गिफ्ट उनको तो मैं सबको दूंगा, उसके अलावा किसी बच्चे को पेड कोर्सेज हैं वो आप सबके लिए फ्री हैं, जिसको भी चाहिए हो उसको वो मैं ईमेल पे और व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करें उनको दे दूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जनाब पीरजादा साहब। तमाम जजेस से मेरी गुजारिश है कि प्लीज स्टेज पे तशरीफ आए, हम एक ग्रुप फोटो करेंगे और ग्रुप फोटो के बाद साथ ही हम अनाउंस करेंगे रिजल्ट का। तमाम जजेस प्लीज स्टेज पे तशरीफ आए, ये वाली चीज करवाइएगा। अब्दुल्ला तल्हा भाई ये जरा स्टेज पे से ये वाली रिमूव कर दें चेयर। जजेस आ गए हैं, जजेस के साथ सारे स्टार्टअप, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये फैसला आज ही होगा, लेकिन सब जो है वो इस मोहब्बत के प्यार के शाबाश के मुस्तैक है कि वो जजेस के साथ फोटो बनवाए। तो जजेस लाइनअप हो जाइए और स्टार्टअप आएंगे सब हमारे साथ आ जाइए शाबाश। इसके बाद रिजल्ट होगा, आपस में लड़ना नहीं है कौन जीता कौन हारा, इसमें बिल्कुल भी जज्बात नहीं होना और एक दूसरे को सपोर्ट करना है स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट की तरह। सब तशरीफ आए, आज प्लीज आ गए हैं। जी सर लाइव ही चल रहा है, मैंने ओके आप सामने चले गए, वो सामने चले गए उस सीट के ऊपर लाइव चल रहा है, हमारी टीम नहीं आएगी। हां जी, ठीक है, जगह है, बेटा इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कला पिता का, पिता जी का, शाबाश शाबाश, ये तुम्हारी गाइड कीजिएगा, मैं तो बस देखता हूं।
पहले सुन लेंगे हम संपर्क कर दीजिए सर। अब हम एक पाकिस्तान का नारा लगाएंगे सब मिलके, वीडियो क्लिप लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। टीम 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 आ गई है जल्दी जल्दी सीधा एंड अथवा दोनों टीम में बताइए। चले स्टार्ट अप शॉट अगर अब फैसला होने लगा आ जाइए सामने, फैसला अभी हो रहा है। टीम मेंबर्स जो आ जाए जल्दी के साथ जल्दी से आपके साथ आज से अपनी यहाँ आ जाए जल्दी थोड़ा सा इस तरह हाँ जी नहीं जी वीडियो क्लिप बनने लगे एक मिनट। बस हिम्मत करें नारा लगाना, पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है आपको, पाकिस्तान ने आपको कितना कुछ दिया आज आप उसके लिए नारा नहीं लगा सकते जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी, जल्दी यहीं पर आएंगे। आप आ गया है वक्त, दिल धड़कने का सबब याद रहा या नहीं रहा लेकिन अब हमारी बारी है। वो साइड पर रखते सारी वाम को पसीना पसीना ना भी ये गर्म पाता हूँ। दे 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 दिल धड़कने तेज सर जी, थोड़ा ही कह देना दिल की धड़कने तेज हो रही है। फैसला सुनने सर बाल खाता ही नहीं था सर, माइक लीजिए ना, दिल की धड़कने तेज दिल को थाम लीजिए। कटलेस तक आइए हमारे रिजल्ट आ रहे हैं। आई नीड अ पेन फॉर साइलेंस। अच्छा जी हम कौन हो जाएंगे स्टार्टअप थर्ड पोजीशन विनर। हां जी वहां से अनाउंसमेंट्स का आपकी तरफ है जी, आपकी थर्ड पोजीशन थर्ड पोजीशन ओ तेरी घर। आपको क्या लगता है कौन होगा थर्ड पोजीशन? मी नो भी वेजिटेबल वाली आंटी वेजिटेबल सब्जी वाली आंटी सब्जी वाली आंटी। अब मेरा कौन था कोई काम के लिए जरूरी नहीं है हाँ जी। अगर पीएससी वाला बाबा 62 साल में कोई कंपनी जीत सकता है तो ये देखे जल्दी से बनाने नहीं ओनली बाप नहीं आती थी, हम इनको बोलते थे आप प्लीज आइए इनको घरों से हमने बुलाया तो उम्र मैटर नहीं करेगी काम करने का जज्बा मैटर। आपको अंदाजा भी नहीं है औरतों की जो है ना वो मर्दों के साथ लड़ाई की 20% वजह यही होती सब्जी काट के मुकाबला फिर करते ही ना कैसे
क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी तक ये मालूम नहीं था कि हमने जो टारगेट दिया था 3000 रुपए से, इन्होंने अपने अनाउंसर में है और हमने फर्स्ट प्राइज के साथ सर्टिफिकेट और कैश प्राइज जो रखा है वो
ये वाले भी करवा लें, इनका अकेडमी में है। सर सारे उधर पढ़े हैं? नहीं आज नहीं है, तीसरे पे मिलना था सभी को, वो उधर ही है। अब आ गई, मुझे उम्मीद नहीं था कब होगी। बिल्कुल वेरी गुड। मैं आप सबके सामने दुआई देता हूँ कि देश की जज को मैंने किसी के लिए कोई सिफारिश नहीं की, टोटल मेरिट के ऊपर मैंने इसे बोला कि आप जो भी राय देंगे किसी भी जज को कहीं से ले लो, शादी ये अपना ले लो, सर्टिफिकेट आंटी को दे दो, तुम्हारा कैडमी में है ले लो। कोई मतलब जज नहीं हुआ बिल्कुल, और कोई प्रेजेंट नहीं था, तो हर एक ने जो जो काम किया लेकिन किसी से मायूस नहीं होना, आप बेहतर से बेहतर करें, आज जो है कामयाब इस बेटे का लाभ ले सकते हैं। ओके सर, सर फिनिश कर दो, सर इमरान फिनिश।